सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्सिंग एंड फाइटिंग करने वाले दो कमाल धमाल वाली रिमोट कंट्रोल कार्ड की। देखो गाइस, एक साइड है हमारी एक्स ग्लोब रिमोट कंट्रोल रेसिंग कार्ड और देखो गाइस एक साइड है मॉन्स्टर ट्रक। चलो गाइस फटाफट से कर लेते हैं एक्स ग्लोब आरसी कार्ड को अनबॉक्सिंग। एक बार इसका पैकेजिंग तो देखो यार, बहुत ही बढ़िया पैकेजिंग किया गया है। और एक बार कार्ड का डिजाइन तो देखो यार, कितना ज्यादा चमक रहा है, कितना ज्यादा साइन करिए। चलो गाइस फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं इसकी रिमोट कंट्रोलर को। तो देखो गाइस यहां पर 27 मेगाहर्ट्ज का एक छोटा सा बट क्यूट एक रिमोट कंट्रोलर दे रखा है। और देखो गाइस इसके साथ ना एक चार्जर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप इस कार को चार्ज कर सकते हो। और कार के अंदर ही आपको बैटरी देखने को मिल जाएंगे। तो चले गए फटाफट से कार को भी बाहर निकाल लेते। ओ भाई यार, एक बार कार की लुकिंग तो देखो यार, कितना ज्यादा साइन कर रही है। रेड और ब्लैक कलर में और भी ज्यादा मस्त लग रही है, एकदम रॉकेट की तरह लग रही है। देखो गाइस इसके फ्रंट पे भी आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे दोनों साइड ही। इसका बैक पे भी आपको सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे। और एक बार कार की टायर तो देखो यार, कितना ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रिप। और देखो गाइस यहां पर है इसका ऑन ऑफ का स्विच एंड स्पीकर। और इसके अंदर आपको 3D लाइट्स भी देखने को मिल जाएंगे। देखो गाइस कितना ज्यादा साइन कर रही है और कैसे चमक रही है। तो चलो गाइस फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं मेरी रॉक लेडर ट्रक को। तो देखो गाइस इसका भी अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर रखा है, आपने अभी तक नहीं देखे तो जाके देख लेना। देखो गाइस ये रहा इसका चार्जिंग केबल, इसकी मदद से आप इसको चार्ज कर सकते हो। और इसका अंदर ही आपको बैटरी देखने को मिल जाएंगे। और देखो गाइस ये रहा रिमोट, एक बार कार की रिमोट तो देखो यार कितना बड़ा है। और इसे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इजी होता है, ये भी 27 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का ही है। देखो गाइस ये रहा कार, यहाँ पर आपको बड़े बड़े सस्पेंशन देखने को मिल जाएंगे फ्रंट में एंड बैक में। और कार की क्वालिटी जो है ना गाइस, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। तो अगर बात किया जाए दोनों कार की साइज की, तो यहाँ पर एक्स ग्लोब कार की साइज तो देखो यार ये इससे कितना बड़ा है, और हाइट में भी इससे कितना बड़ा है। और इसका जो पीछे का व्हील से ये लगभग रॉक क्रॉलर मॉन्स्टर ट्रक की बराबर ही है। तो चलो गाइस चलते हैं बार और करते दोनों कार के बीच में फाइट। देखो गाइस मैं आ चुका हूं बार और अभी हम करेंगे दोनों कार के बीच में रेस, देखते स्पीड के मामले में कौन है ज्यादा पावरफुल। तो देखो गाइस यहां पर मॉन्स्टर ट्रक कितना ज्यादा आगे निकल चुकी, कितना स्पीड से आगे जा रही है। और यहां पर पीछे पीछे जा रही है एक्स ग्लोब रेसिंग कार, इसका भी स्पीड अच्छा खासा देखने को मिल जाते। बात ये रॉक क्रॉलर मॉन्स्टर ट्रक को नहीं पकड़ पा रही है, तो इसको इस राउंड का विनर है मॉन्स्टर ट्रक। तो चलो गाइस अभी हम करेंगे दोनों कारों के बीच में पुश बैक फाइट, देखते हैं पावर के मामले में कौन है यहाँ पर ज्यादा पावरफुल। तो देखो गाइस यहाँ पर पुश बैक फाइट स्टार्ट हो चुके। देखो गाइस कैसे दोनों ही कार एक दूसरे को धक्के लगे। बात देखो गाइस यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक एकदम से एक्स ग्लोब कार के ऊपर चढ़ गए। देखो गाइस वो कैसे उसके ऊपर चढ़ गई है, देखो गाइस वो कैसे ड्रिफ्टिंग वगैरह मारी है। बात यहाँ पर एक्स ग्लोब कार एक जितना भी हिल डुल नहीं रही है। देखो गाइस वो एक ही जगह पर रुकी हुई है। तो यहाँ पर भी दोनों कार टाई हो चुकी है, बट यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक की पावर मुझे सबसे ज्यादा लगा। तो चलो गाइस अभी हम कराएंगे दोनों कारों के बीच में टग ऑफ वॉर पुश बैक फाइट में, तो कुछ पता नहीं चला। देखो गाइस अभी मैंने दोनों कार को एक रस्सी की मदद से एक दूसरे से बांध दिया। तो चलो गाइस अभी देख लेते पावर के मामले में कौन है ज्यादा पावरफुल। तो चलिए फटाफट से शुरू करते। तो देखो गाइस यहाँ पर बहुत ही जोरदार टक्कर हुआ है। देखो गाइस एक दूसरे को कितना कोशिश कर रही है दूसरे को खींचने की। बट देखो गाइस यहाँ पर मॉन्स्टर ट्रक बहुत ही ज्यादा ड्रिफ्टिंग कर रही है। बट यहाँ पर एक्स ग्लोब रेसिंग कार इतना भी हिल डुल नहीं रही है। देखो गाइस वो एक ही जगह पर रुकी हुई है। देखो गाइस कैसे एक्स ग्लोब कार की फ्रंट का व्हील ऊपर उठ चुका था। तो यहाँ पर भी मुझे मॉन्स्टर ट्रक की पावर ज्यादा लगा, बट यहाँ पर दोनों ही कार टाई हो चुकी है। तो चलो गाइस अभी हम फटाफट से कर लेंगे दोनों कारों के बीच में रेंज टेस्ट। तो सबसे फर्स्ट हम एक्स ग्लोब कार को लेकर ट्राई करते। देखो गाइस इसका स्पीड उतना ज्यादा मुझे नहीं लगा। देखो गाइस कैसे इसका स्पीड स्लो हो गया है। देखो गाइस इसका रेंज बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाता है, 40 मीटर के आसपास इसका रेंज देखने को मिल जाता है। देखो कैसे इसका स्पीड स्लो हो चुका है। तो चलो गाइस अभी मॉन्स्टर ट्रक को लेकर ट्राई करते। देखो गाइस इसका स्पीड देखो कितना ज्यादा स्पीड है इसका, और इसका रेंज भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देखो गाइस देखो कितना दूर तक चली गई है। तो इसका रेंज सबसे ज्यादा लगा, इसका रेंज लगभग 50-60 मीटर के आसपास जा चुका था। और इसका ब्रेक सिस्टम देखो गाइस कैसे काम करते, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मॉन्स्टर ट्रक है। तो अगर आपको खरीदना है तो इन दोनों कार में से आप कौन सा कार को खरीदोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इन दोनों कार में से आपको कौन सा कार अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो ये फटाफट से दे देता हूँ शाउट आउट। या फर्स्ट नाम रहता है अल्ट्रा रेजेंट एसके माइर भाई एस्पायर टॉय टीवी जॉय डाय एनर्जी गेमिंग। थैंक यू दोस्तों इन अच्छे कमेंट करने के लिए। अगर आप भी चाहते हो शाउट आउट तो इस वीडियो के नीचे एक पैर से कमेंट कर देना। आज के वीडियो बस इतना ही, बाय बाय दोस्तों।